सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म पेटा का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है सन टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तमिल लैंग्वेज के अंदर। हम आपको देंगे इस वीडियो में इसका हिंदी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, रजनीकांत एक सुपरस्टार हैं जिनकी पिछली फिल्म 2.2 ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़े ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। और उनकी आने वाली फिल्म पेटा जो कि 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है, साउथ का सबसे बड़ा त्यौहार पोंगल के छुट्टियों का फायदा फिल्म को बखूबी मिलने वाला है। फिल्म के स्टार कास्ट काफी इंटरेस्टिंग है। सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा विजय सेतुपति, त्रिशा, सिमरन और बॉलीवुड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा शशि कुमार, बॉबी सिम्हा भी इसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है कार्तिक सुब्बराज ने और प्रोड्यूस किया है सन टीवी ने। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म का शानदार ट्रेलर आया है जिसमें रजनीकांत एक बार फिर से अपने शानदार अंदाज में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल यंग। कोई इस ट्रेलर को देख के नहीं कह सकता कि अभी रजनीकांत बूढ़े हो चुके हैं। रजनीकांत को देखकर ऐसे लगता है कि वो कई युवा सितारों को अभी भी मात दे सकते हैं। उनकी शानदार डायलॉग बाजी इस ट्रेलर में देखने को मिल रही है और शानदार एक्शन सीक्वेंस भी इस वीडियो में हमें देखने को मिल रहा है। रजनीकांत के दमदार डायलॉग तमिल लैंग्वेज में है लेकिन वो काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनका लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर सिमरन और त्रिशा, जो कि ट्रेलर में साफ ही देखने को मिलता है। नवाज यहाँ पर विलन का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि विजय सेतुपति का किरदार भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ही नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, पेटा एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है जो 10 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसका ट्रेलर आप भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप हमें देख के बताइए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आने वाली खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।